नाजरीन इस वक्त भी पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, सब मौलाना के पास मौजूद हैं, मगर अब हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि कंसेंसस से आ गई तो ठीक, वरना हम बहरहाल तरमीम कर लेंगे। अब तरमीम के लिए टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए, नंबर हुकूमत के पास है नहीं, जमात इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ज़बरदस्ती की जा रही है। हमारे साथ सीनियर तहकीकाती साहब उमर चीमा साहब, चीमा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब ये भी एक ऐसे ही ब्लफ कर रही है हुकूमत या फिर बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, या वाकई नंबर हैं इनके पास, ज़ोर ज़बरदस्ती करके नंबर पूरे कर लिए इन्होंने? देखिए, नंबर तो इनके पास इसी तरह पूरे हैं ना कि दूसरे लोगों के बंदे चुरा रहे हैं, कोई उठा रहे हैं, कोई बंदा किसी जगह पे है, कोई इधर सुप्रीम पार्लियामेंट में रूहानसी आवाज़ के साथ बता रहा है कि मुझे उठाया जा रहा है, या मेरे जो करीबी लोग हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। तो ओवरऑल बंदे इन्होंने किधर से आसमान से लेकर आने हैं, इधर ही बाकी जमातों के बंदे चोरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये कोई। और ये बड़ी घटिया किस्म की सियासत है जिस अंदाज में ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। उससे बेहतर था कि आपको फजलुर रहमान साहब के साथ मिलके, बेशक अगर आपने तीन काम करने थे, कोई अगर एक काम जो आपका सबसे जरूरी है वही अगर हो जाता है और कंसेंसस से हो जाता है तो वो ज्यादा एक ऑनरेबल था। लेकिन यही है कि आप ये बंदे उठा रहे हैं, आप दूसरी साइड वाले जो हैं वो कहते हैं जी कि ये कोई बाहमी रजामंदी से उठाए जा रहे हैं, कि वो कहते हैं कि आप हमारे लीडर्स जो हैं उन तक ये पैगाम जाना चाहिए कि हम अंडर प्रेशर हैं लेकिन हम आपके साथ हैं। लेकिन जो भी है, मैं कहता हूँ जो भी वजह है, लेकिन ओवरऑल इस सारे अमल में हुकूमत या जिनको हम रियासत कहते हैं वो सारे बदनाम हो रहे हैं। तो सब और फिर इस सारी सूरत हाल में जो एम्बैरेसमेंट हुई थी दो हफ्ते पहले इतवार के दिन, वो एम्बैरेसमेंट होने जा रही है हुकूमत के लिए या वाकई तरमीम होने जा रही है आपके ख्याल में? नहीं, वो वाली एम्बैरेसमेंट नहीं होगी, एम्बैरेसमेंट इस तरह डिफरेंट होगी। वो इस दफा मेरे ख्याल वो वाली एम्बैरेसमेंट है कि जिसको ये महसूस ही नहीं कर रहे। यही है ना कि जब आप दूसरों के बंदे उठाते हैं और आपको कोई थोड़ा बहुत कोई शर्म फील होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। बाकी इस दफा वो जिस तरह भी होगा, बाई हुक और बाई क्रुक तरमीम उन्होंने करनी है और इनके स्टेक्स बड़े हाई हैं और ये इसको कर लेंगे जिस तरीके से भी करेंगे। हमारा तो जो ज्यादा एतराज़ है वो प्रोसेस पर है कि प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही काबिल एतराज़ है।